एक दूसरे के हुए दीपिका और रणवीर। जी हां, साल 2018 की सबसे बड़ी शादी इटली के लेक कोमो में संपन्न हो गई है। बॉलीवुड के चर्चित कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 14-15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधे। सिंधी और कोकड़ी रस्मों से शादी करवे अब पति पत्नी हैं। शादी को प्राइवेट रखा गया था। दोनों रीति रिवाज से शादी पूरी होने के बाद कपल ने पहली बार ऑफिशियल तस्वीरें शेयर की हैं। दुल्हा दुल्हन बने रणवीर दीपिका की ब्राइडल तस्वीरों का फैंस को लंबे समय से इंतजार था। शेयर होने के बाद तस्वीरें कुछ ही सेकेंड में वायरल हो गई। दीपिका के इंस्टा अकाउंट पर एक मिनट में करीब 12,000 से ज़्यादा लोगों ने तस्वीरों को पसंद किया है। करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया। सैकड़ों लोगों ने फोटो को साझा की। तस्वीर में दीपिका रणवीर सिंधी गेटअप में नजर आ रहे हैं। लाल रंग के लहंगे में एक्ट्रेस की खूबसूरती का जवाब नहीं। फोटो में न्यूली मैरिड कपल की शानदार केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। बता दें, शादी की दोनों रस्मों में दीपवीर ने सब्यसाची के डिजाइनर आउटफिट पहने थे। रणवीर और दीपिका ने अपने अपने इंस्टा अकाउंट से एक जैसी दो तस्वीरें शेयर की हैं। कैप्शन में दोनों ने लव का इमोजी बनाया है। ये दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दो दिवसीय प्राइवेट वेडिंग में चुनिंदा 30 से 40 मेहमानों को न्योता दिया गया था। वेडिंग वेन्यू में सभी गेस्ट लग्जरी याच से पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर गुरुवार को रिजॉर्ट से विला तक अपनी बारात लेकर एक लग्जरी याच में पहुंचे थे। इस याच की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कोकड़ी रस्म में रणवीर ने वेन्यू में सी प्लेन से एंट्री मारी थी। इटली में आलिशान वेडिंग के बाद दीपवीर दो रिसेप्शन पार्टी देंगे। मुंबई रिसेप्शन 28 नवंबर को होटल ग्रांड हयात में होगा, जो कि रात 8 बजे से शुरू होगा। ये रिसेप्शन पार्टी रणवीर सिंह के माता पिता की तरफ से रखी गई है। वहीं 21 नवंबर को दीपिका के होम टाउन बेंगलुरु में रिसेप्शन पार्टी होगी। इसे दीपिका के माता पिता होस्ट करेंगे। बुधवार 14 नवंबर को कोकड़ी रिवाजों से हुई शादी के दिन वेडिंग वेन्यू को सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। तकरीबन 8,000 फूलों से पूरे वेन्यू पर डेकोरेशन की गई थी। वहीं सिंधी रिवाज से हुई वेडिंग 15 नवंबर के दिन विला को लाल फूल से सजाया गया था। शादी के फंक्शन के दौरान प्राइवेसी का खास ध्यान रखा गया। लेक कोमो में वेडिंग वेन्यू के बाहर मीडिया के कैमरे ने कपल को कैप्चर करने की हर संभव कोशिश की।